तो आज दूसरा दिन है G20 की बैठक का गुरुग्राम में, और आज तीन सेशंस होने जा रहे हैं G20 की बैठक के, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने पर विचार विमर्श किया जाएगा, साथ ही साथ कानूनी सहायता की मजबूती पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि 38 देशों के डेलीगेट्स इस मीटिंग का हिस्सा हैं। और आइए सीधे चलते हैं अपने गुरुग्राम संवाददाता नीरज अंबावता के पास। नीरज, क्या जानकारी दे सकते हैं आप आज के दिन के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर G20 की बात करें तो G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन है, और दूसरे दिन के पहले सत्र की शुरुआत गुरुग्राम में हो चुकी है, और इसकी शुरुआत CBI के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने संबोधन के साथ की है। और इस अगर पहले सत्र की हम बात करें तो इसमें किस तरह से करप्शन को कम किया जा सकता है, इसको लेकर मंथन होगा। तो वहीं दूसरे सत्र में आपसी कानून सहायता को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर मंथन होगा। यानी ये कहें कि एक देश से दूसरे देश में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार कर वहां बैठ जाते हैं, तो उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा कि किस तरह से ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा सके, क्योंकि भारत में इस तरह के कई सारे लोग हैं और उनको किस तरह से शिकंजे में लाया जाए और किस तरह से उनकी अपने देश में वापसी हो सके, इसको लेकर मंथन होगा। भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला इस पूरे मामले में जो है विदेशी डेलीगेट्स को संबोधित करेंगे। तो तीसरे सत्र की हम बात करें तो भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है और कैसे इसका मुकाबला जो है तमाम देश करेंगे, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय जो है विजिलेंस आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अपना संबोधन रखेंगे, और तमाम देश जो है इन तीनों डेलीगेट्स में अपनी अपनी राय जो है रखेंगे, और किस तरह से दुनिया भर में एक साथ करप्शन को खत्म करना है, इसको लेकर अगले जो है एक दिन और ये मंथन चलने वाला है। यानी कुल मिलाकर तीन दिन का ये मंथन है, और चौथे दिन इन विदेशी डेलीगेट्स को जो है गुरुग्राम के साथ साथ आसपास के इलाकों में घुमाया जाएगा, गांव की संस्कृति से इनको रूबरू कराया जाएगा। कैसा रहा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कल की बात करें तो कल केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है G20 की बैठक की शुरुआत की थी, और उसके बाद जितेंद्र सिंह ने कहा था कि हरियाणा की धरती से इसका आगाज हो रहा है, और गुरु की धरती गुरुग्राम एक पवित्र धरती है, और यहाँ से जब 20 देशों के ये G20 सम्मेलन जो कि यहाँ से इस करप्शन के आगाज की शुरुआत हो रही है, तो इसका अंत जो है वो कामयाब होगा, सफर कामयाब होगा, इसको लेकर साथ ही साथ हरियाणा सरकार की भी जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जो काम कर रही है करप्शन को कम करने के लिए, उसके बाद लगातार दूसरे राज्य है वो भी इनका कहीं ना कहीं इन सरकार की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं और अपने राज्यों में इस तरह से लागू कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के लिहाज से भी कल का दिन काफी अहम रहा था, क्योंकि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में हरियाणा सरकार को भी मौका मिला था कि तमाम जो 39 देश है या जो डेलीगेट्स है उनके सामने अपनी बात रखे, किस तरह से हरियाणा में करप्शन को कम किया गया और कैसे आगे सरकार इस पर काम कर रही है, इसको लेकर भी। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के लिए।